नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं कावेंद्र चौहान। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बिजनौर में रामलीला में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, वहीं इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। बता दें कि दोनों पक्षों में हुई मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया है। तो बिजनौर से तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाया है। हालांकि इस पूरी घटना का एक वीडियो किसी ने बना लिया, जिसके बाद इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वहीं आगरा में किसानों की समस्या को लेकर जिलाधिकारी आगरा से विधायक वहरानी पक्षपालिका सिंह ने मुलाकात की और उन्हें किसानों की समस्या से अवगत कराया। बता दें कि सरसों, आलू और गेहूं की बुआई के लिए डीएपी की आवश्यकता पड़ने पर किसानों को बाजार में खाद महंगी मिल रही है। वहीं सरकारी समिति पर खाद की कमी होने के कारण बाजार में जमाखोर यहां 1500 रुपए ब्लैक में डीएपी बेच रहे हैं। फिलहाल डीएपी की कालाबाजारी को लेकर विधायक ने जमाखोर खाद दुकानों पर चेकिंग कर छापेमारी की मांग उठाई है। वहीं बदायूं में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 6 लोग गंगा नदी में डूब गए। वहीं इस हादसे के बाद 2 लोगों की नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लापता 4 लोग अभी भी ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन वो अभी तक मिले नहीं हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल मौके पर प्रशासनिक टीम और गोताखोर मौजूद हैं और लापता की तलाश कर रहे हैं। तो बदायूं से खबर आ रही है जहां पर 6 लोग गंगा नदी में डूब गए, इनकी तलाश अभी तक जारी है, लेकिन किसी को भी अभी तक सुरक्षित नहीं निकाला जा सका है। अभी जो आपको बता दें कि 2 लोग, फिलहाल जो अपडेट आ रहा है उस पर यह बताया जा रहा है कि 2 लोग सुरक्षित निकाले गए हैं और 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनको अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। बरेली के मीरगंज के ग्राम पैगाम नगरी में एक जर्जर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक किसान की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव को हाईवे पर रखकर जमकर हंगामा किया, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। बता दें कि मृतक के परिजनों की मांग है कि वो इस मामले में पहले बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे और उसके बाद ही ये जाम खोला जाएगा, लेकिन मौके पर पहुंचे बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंच सका, जिसके चलते परिजनों ने हंगामा जारी रखा। वहीं लोगों को समझाने गई पुलिस पर भी ग्रामीणों ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने सभी को मौके से भगा दिया है। तो बरेली से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर हाई टेंशन लाइन टूटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया और परिजनों ने कहा कि जब तक बिजली विभाग का कोई अधिकारी यहां नहीं आता तब तक वो शव को नहीं हटाएंगे। तो बरेली से तस्वीरें जहां पर हाई टेंशन तार की चपेट में एक युवक आ गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बीच सड़क शव को रखकर जमकर हंगामा काटा और इसके चलते लंबा जाम लग गया। तो बरेली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हाई टेंशन तार की चपेट में एक युवक आ गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई, इसके बाद परिजनों ने बीच सड़क पर उसका शव रख दिया और उसको जमकर हंगामा काटा है। बस्ती जिले के खेमोपुर गांव में जमीनी विवाद में दबंगों ने एक गरीब परिवार को जमकर पीटा और उसके घर को आग के हवाले कर दिया। वहीं मामले में पुलिस ने 8 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें जमीनी विवाद में खेमोपुर गांव के निवासी संतराम और उनके परिवार वालों को गांव के ही दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा।
वहीं दबंग इतने पर ही नहीं रुके और गरीब के घर को आग के हवाले कर दिया। वहीं देखते ही देखते घर में सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसके बाद आगजनी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग को बुझाया है। साथ ही पीड़ित परिवार की तहरीर पर गांव के दबंगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो बस्ती से एक खबर सामने आ रही है जहां पर गरीब के घर में दबंगों ने आग लगा दी। तो ये मामला बस्ती का बताया जा रहा है जहां पर दबंगों ने पहले तो मारपीट की घर वालों के साथ, जिसके बाद मारपीट करने पर भी वो नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने गरीब के घर में भी आग लगा दी है। बस्ती के जिला अस्पताल में दवाओं की बर्बादी का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि यहां भारी संख्या में एक्सपायर दवाइयों का जखीरा पड़ा मिला है। बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में ये दवाएं गलत तरीके से रखरखाव के चलते खराब हो गई थी। तो बस्ती में अस्पताल में एक्सपायर दवाइयों का जखीरा मिला है। दवाओं की बर्बादी का सिलसिला लगातार जारी है। बस्ती से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर एक्सपायर दवाइयों का ये जो जखीरा आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कितनी सारी दवाइयाँ यहाँ पर मिली हैं। बर्बादी का जो सिलसिला है दवाओं की वो लगातार जारी है। बस्ती से ये तस्वीरें आ रही हैं जहाँ पर जिला अस्पताल में ये दवाइयों का जो एक्सपायर दवाइयाँ हैं उनका एक जखीरा बरामद किया गया है। फिरोजाबाद में देर शाम दुर्गा प्रतिमा को यमुना में विसर्जन के लिए गए तीन युवक यमुना नदी में डूब गए, जिसमें एक युवक के शव को बरामद कर लिया गया है। साथ ही बाकी दोनों युवकों की गोताखोर तलाश कर रहे हैं। मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। तो फिरोजाबाद की ये खबर है जहां पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में तीन लोग गए थे और तीनों नदी में डूब गए, जिसके बाद एक की मौत हो गई है, बाकियों की तलाश जारी है। गोताखोर लगातार युवकों को ढूंढने में लगे हुए हैं। ये सवेरे 6 बजे से तो यहाँ पर गोताखोर और स्टीमर की टीम आ गई है और एक बच्चा गोपाल का शव भी अभी बरामद हो गया है और दो तीन तरीके से बच्चों की तलाश जारी है। अभी क्षेत्र में गोताखोर भी उतरे हैं, स्टीमर से भी रहा है और पूरे मोहल्ले के लोग, यहाँ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग नदी के किनारे किनारे पुल पर चढ़कर भी अपना देख रहे हैं और उसी क्रम में ये बच्चा जो है ये इनोन के पुल के नीचे ऊपर से लोगों ने देखा, सूचना मिली तो फिर उस सबको निकाला गया। बहुत ही दुखद घटना है और हमने शासन में भी परिवार की मदद के लिए बातचीत कर ली है। इतने समय हमारी पहली प्राथमिकता बच्चों को यदि कोई अनहोनी हुई है तो उनके शव बरामद करने अथवा जो भी है, अभी तो वो मिसिंग में ही मान रहे हैं हम। ये एक बच्चा मिल गया है और थाना लाइन पार के एसओ सीओ सदर मैं स्वयं सदर से हम सब क्षेत्र के पार्षद सुनील शर्मा जी सब लोग हम मिले। गाजीपुर मर्दा बाजार में गुरुवार की रात रामलीला में मारपीट की घटना ने शनिवार को बड़ा रूप ले लिया है। बता दें कि बीजेपी जिला पंचायत सदस्य और मंडल अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह को रामलीला में गांव के कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया था। वहीं पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपित युवक बंटी राजभर सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस हिरासत में बंटी राजभर की पुलिस की ओर से पीट कर मौत के घाट उतारने की अफवाह फैलाती गई, जबकि उस समय बंटी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था। वहीं बंटी की मौत की अफवाह सुनकर उग्र सैकड़ों महिलाएं सहित ग्रामीणों ने थाने पर पथराव करना शुरू कर दिया। इस पथराव में मर्दा थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार घायल हो गए, साथ ही साथ कई महिला और पुरुष कांस्टेबल भी इसमें उनकी भी चोटें आई हैं। ये शशि प्रकाश सिंह हैं, उन्होंने एक सूचना दिया था कि सर 14:15 रात में जो रामलीला मर्दा में हो रही थी उसमें राजभर और कुछ पासवान लोगों ने आ करके जहां कलाकार तैयार हो रहे थे वहां पर उन्होंने बड़ी अभद्रता की और कलाकारों के साथ मिसबिहेव किया, माइक भी तोड़ दिया और जब ये बोले तो इनको मार दिया, इनके सर में भी चोट आ गई थी। इस पर इनका मुकदमा लिखा गया था जिसमें 5 लोगों को पकड़ा गया था, थाने पर लाया गया था। उसमें से आज एक लड़के को जो थोड़ा तबीयत खराब हुई उसे जब पुलिस ले जा करके भर्ती कराने जा रही थी तो इन लोगों ने कहा कि पुलिस ने इसे मार दिया, ये मर गया है। इस पर इन लोगों ने पत्थर चला दिया
जिसमें थाना अध्यक्ष का सर फट गया, 6-7 पुलिस वालों को भी चोटें आई और फिर इनको बताया गया, माने नहीं, तब इनको हल्का सा बल प्रयोग करके भगाया गया वहां से। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इकरार खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकरार, क्या कुछ घटना थी और अफवाह किसने फैलाई, ये अभी तक पता चल सका है? कहना चाहते हैं कि कल रात में दशहरा के जो मेला लगा उसी में कुछ लोग में आपसी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया, उस पर पुलिस प्रशासन वाल गया, उनको लेके थाने बैठाया। यही एक दूसरे लोग मिले थाने में आते हैं तो उन्हीं आपके लड़के को पुलिस ने बहुत ज्यादा मार दिए, हो गई है। उसके बाद ग्रामीण वापस में आ गए, आगे थाने का घेराव कर लिया। थाने घेराव करने के बाद पुलिस प्रशासन जैसे समझा गया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उनको पब्लिक मानने के तैयार नहीं थी। इसके ऊपर पुलिस प्रशासन के मतलब SHO के साथ साथ 5 से 7 सिपाही थे जिनके ऊपर ईटे और पत्थर से हमला कर दिया गया। पुलिस अपने भी बचाव करते हुए वहां से मौके से भाग गई। उसके बाद तुरंत मौके पर जैसे सूचना मिली SP को, SP मौके पर पहुंच के तुरंत कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद जो मरीज था उसके हाल जाने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद जिसे जिनके अभिभावक थे उनसे कप्तान ने बात कराया। बात कराने के बाद बताया कि उन्होंने संतुष्ट होगी, ऐसी कोई बात नहीं हमारे जो जी इकरार। लेकिन इसके साथ अभी तक ये पता चल सका है कि कौन कौन लोग शामिल थे जिन लोगों ने थाने में पथराव किया था, क्योंकि थाना अध्यक्ष को चोटें आई हैं, घायल बताए जा रहे हैं? जी जी, थाने अध्यक्ष सर उसके साथ साथ 5-6 और सिपाही कर्मी थे, इसको चोट लगी। हम लोग पुलिस अधीक्षक से बात की तो पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वीडियो की जो वायरल वीडियो उसको देखते हुए उस पर जांच कर की जा रही है, जैसे जांच होगी उसके ऊपर उनके सख्त कार्रवाई की जाएगी कि किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बहुत दंडनीय अपराध है। हाँ। और उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, ये जो निकलकर सामने आ रहा है कि थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार घायल हो गए हैं, क्या इसके अलावा और भी कोई पुलिसकर्मी है जो घायल बताए जा रहे हैं? जी बता दें कि 5 से 6 पुलिस और हैं जिनको छोटी मोटी चोटें आई है जिसे पथरा में, लेकिन वहां के थाना अध्यक्ष जी उनको चोट आई, उनका सर फटा। अच्छा, चलिए ठीक है इकरार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। तो गाजीपुर से तस्वीरें थी जहां पर ग्रामीणों ने अफवाह के बाद थाने का घेराव कर लिया और जिसके बाद पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी के चलते थाना अध्यक्ष समेत कई कांस्टेबल भी जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मारपीट के बाद एक युवक को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद किसी ने अफवाह फैला दी कि युवक की थाने में पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद कई महिलाएं और ग्रामीण थाने के बाहर इकट्ठा हो गए, उन्होंने पथराव किया और पथराव के चलते थाना अध्यक्ष के चोटें आई और फिलहाल वो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। ठीक है, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने सिकंदरा तहसील क्षेत्र के रसधान न्यू PHC स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान न्यू PHC प्रभारी डॉक्टर कीर्ति वर्मा के मौके पर न मिलने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए उनके वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। वहीं कुशीनगर में देर शाम रामलीला देखने गए युवक को सुबह गांव के बगीचे में शव पड़ा मिला है। वहीं शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक घर से रामलीला देखने गया था, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटा। वहीं छानबीन के दौरान उसका शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दर्शकों, ग्रेटर नोएडा में इन दिनों पेचकस गैंग काफी सक्रिय है, जो वाहन का इंतजार कर रही सवारियों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने बिठा लेता है और उसके बाद उनके साथ लूट की घटनाओं को अंजाम देता है।
साथ ही ये लोगों पर पेचकस से वार भी करते हैं। बताया जा रहा है कि ये गैंग आधा दर्जन से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुका है। वहीं अब इस गैंग की बढ़ती वारदातों के चलते बीटा 2 थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर एडिशनल डीएसपी विशाल पांडे ने बताया है कि गाड़ियों का इंतजार कर रहे लोग बिना जाने किसी भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अप्रिय घटना का शिकार हो जाते हैं। इसी को लेकर लोगों को जागरूक किया गया है कि वह किसी भी संदिग्ध वाहन में ना बैठें और केवल बस में सफर करें या कैब बुक करके ही अपने घर जाएं। ग्रेटर नोएडा में इस समय एक पेचकस गैंग सक्रिय है जो कि सवारियों को अपना निशाना बनाता है। वो उन सवारियों को निशाना बनाते हैं जो बस के इंतजार में या गाड़ियों के इंतजार में होते हैं, और उसके बाद वो लोग एक कैब से आते हैं, लोगों को बैठाते हैं और उसके बाद उनके साथ लूट की घटना को अंजाम देते हैं और फिर पीड़ित को फेंक कर फरार हो जाते हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा वारदातें ऐसी ग्रेटर नोएडा में हो चुकी हैं। अब उसको लेकर पुलिस भी सक्रिय है क्योंकि पुलिस के हाथ अभी तक जो पेचकस गैंग है वो नहीं आया, उसको लेकर पुलिस सक्रिय हुई है। पुलिस ने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। आप ये पोस्टर यहाँ पर देख सकते हैं जो पोस्टर बीटा 2 थाना पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं, जिनमें साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी भी संदिग्ध वाहन में आप ना बैठें और किसी संदिग्ध जो गाड़ी हो उसमें ना बैठें। अगर आप कैब से कहीं जा रहे हैं तो कैब को बुक कराएं या आप बस से ही सफ़र करें। यानी साफ तौर पे पुलिस का कहना है कि अगर आप संदिग्ध वाहन में या संदिग्ध व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो आपके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इस तरह की आधा दर्जन से ज़्यादा घटनाएँ अभी हाल फिलहाल में हुई हैं और ज़्यादातर जो घटनाएँ हैं वो बीटा 2 थाना क्षेत्र में हुई है। हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आप जो सवार कहीं जाना चाहते हैं, अगर इंतजार कर रहे हैं किसी का, तो ऐसी गाड़ी से जाएं जिसको या तो आप जानते हैं या बस से सफ़र करें। अगर कैब से आप सफ़र करते हैं तो आप कैब को बुक कर कर ही करें। आप देख सकते हैं परीचौक का नज़ारा है, यहाँ से ज़्यादातर लोग जो ये ग्रेटर नोएडा का मुख्य पॉइंट है और यहाँ से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा या जेवर हर जगह के लिए यहाँ से सवारी जाती है और यहाँ से ही ज़्यादातर घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। गाड़ी आती है, गाड़ी में वो लिफ्ट देने के बहाने लोगों को बैठाते हैं उसके पास, उनके बाद लूट की घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार हो जाते हैं। भूपेश प्रताप सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, ग्रेटर नोएडा। वहीं पुलिस कमिश्नर ने नोएडा जोन के 53 सब इंस्पेक्टर को इधर से उधर किया है और ये सब तबादले आगामी चुनाव को लेकर किए गए हैं। बता दें कि ये तबादले पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के आदेश पर डीसीपी राजेश एस ने किए हैं। वहीं मामले में डीसीपी राजेश एस ने बताया कि उप निरीक्षक विकास यादव को चौकी प्रभारी सेक्टर 6 से चौकी प्रभारी हरौला बनाया गया है। वहीं मुनेंद्र कुमार जॉन प्रथम से चौकी प्रभारी बॉटनिकल गार्डन बनाए गए हैं। वहीं यूपी के रामपुर पहुंचे कौशल विकास मंत्री ने हुनर हाट का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय संस्कृति संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें कि रामपुर में हुनर हाट का दूसरी बार आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम के चलते चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स मौजूद रही। सुल्तानपुर के पंचमुखी हनुमान मंदिर डाकखाने चौराहे पर पूजा कर बाहर निकल रहे जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव पर कई लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार हमला करने वाले नगर पालिका के दबंग ठेकेदार बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस घटना में विहिप जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव समेत 2 लोग घायल हो गए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस के अनुसार पोस्टर लगाने को लेकर यह विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल एक हमलावर को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। हम लोग डाकखाने चौराहे पर बैठे हुए जो पंचमुखी हनुमान गढ़ी है वहाँ पे पूजन पाठ का कार्यक्रम चल रहा था। अचानक से निर्भय सिंह और अजय सिंह बढ़िया वीर ये दोनों आए और लाठी डंडों से हैस असलाह उठला लिए थे, बंदूक लिए हुए थे। अचानक से ये लोग ने हमला कर दिया जिसको हम लोग समझ नहीं पाए। हमारे काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, काफ़ी घायल हैं। इन्होंने मंदिर में भी तोड़फाड़ की है, आधा गुम्मा फेंका जिससे मंदिर काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया है और हम लोग कोतवाली आए हुए हैं इस मामले को लेकर और जिसमें हम स्वयं भी बहुत घायल हुए हैं। अवगत कराना है कि पोस्ट ऑफिस चौराहे पर आशीष श्रीवास्तव और अमरनाथ शुक्ला की कुछ लोगों से पोस्टर लगाने को लेकर मारपीट हुई जिसमें इन लोग आशीष श्रीवास्तव और अमरनाथ शुक्ला को चोटें आई हैं। अजय सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तहरीर मिलने पर संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
बिजनौर के हसनपुर गांव में रामलीला के मंच पर राम के बनवास वियोग का मंचन कर रहे कलाकार राजेंद्र कश्यप ने अभिनय के दौरान सच में ही दम तोड़ दिया। वहीं इस अभिनय को दर्शक काफी देर तक अभिनय ही मानते रहे। वहीं उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। बता दें कि मृतक राजेंद्र कश्यप इस रामलीला में राजा दशरथ का किरदार निभा रहे थे और मंचन के दौरान उन्होंने वास्तव में दम तोड़ दिया। फिलहाल रामलीला समिति के अध्यक्ष संजय सिंह गांधी ने बताया कि कलाकार राजेंद्र कश्यप राजा दशरथ के रोल में इतने डूब गए कि उनकी वास्तव में मौत हो गई। वहीं दर्शक और समिति के लिए इसे अभिनय ही समझते रहे, लेकिन पर्दा गिरने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिसके बाद पता चला कि उनकी मौत हो गई है। ग्राम हसनपुर हमारे चाचा जी रामलीला मंच पर दशरथ का किरदार करते हुए कल रात जो है स्वर्गवासी हो गए हैं। कल क्या वहाँ कार्यक्रम में काम कर रहे थे? अपना किरदार निभा रहे थे, पार्ट कर रहे थे दशरथ का। तो जब राम जी अपना वनवास चले जाते हैं तो वापसी नहीं आते, तो उसको किरदार में इतना खो गए थे कि जो है हार्ट अटैक उनको आ गया। क्या नाम था इनका? राजेंद्र सिंह नाम था, इनके पुत्र श्री नन्हे सिंह प्रधान रह चुके हैं हसनपुर से। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।